कौन नहीं चाहता है कि इन वादियों का मज़ा ले, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा हूँ झारखंड की इस खूबसूरत वादियों को देखने के लिए। और वह खूबसूरत जगह का नाम है दसमपुर, जो कि मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस खूबसूरत वादियों का मज़ा लेते हुए चलते हैं। आज फिर से निकल पड़े हैं दसम वाले रास्ते पे, और भाई लोग का डिमांड है कि आज जाएंगे दसम फॉल और ब्लॉग बनाने का, मतलब ब्लॉग में हम लोग भी आएंगे बोल रहे हैं। ये दोनों पीछे हीरो लोग का डिमांड है कि हम लोग ब्लॉग में आएंगे। क्या बात है। तो उधर लेफ्ट में है उधर प्रिंस भाई और अमन है और विवेक, और साइड में है संजू और इधर अपना यार अंकित राव। तो अब ये लोग निकल पड़े हैं, मतलब कि रास्ते में ही है दसम रास्ते में। प्लान तो है कि रिमिक्स जाने का, पर रिमिक्स वाला रास्ते में ही दसम है, तो उधर का नज़ारा दिखाएंगे। और ये लोग रास्ता तो बार बार आते रहते, लगता है 3-4 बार ब्लॉग बना लिए हम इधर का, तो देखते हैं अब वही रिमिक्स जाके ही आप लोग को नज़ारा दिखाते हैं। अब यहाँ से अपने को चलना है राइट, बस सर सामने ही है। तो अरे यहाँ पे पुल के पास देखते हैं, अगर रुकने मन करेगा तो, अंकित रुकेगा तो रुकेंगे। यहाँ पर का व्यू भी एकदम खतरनाक लगता है, और देख सकते हैं कि रास्ते में फोटोशूट सब चल रहा है लड़का लड़की सबका, मतलब कि यहाँ का नजारा ही काफी खतरनाक है। इसलिए क्या बात है, क्या बात है, सही है गाइस। तो इधर का नजारा दिखाते हैं एक बार आप लोगों को। काफी खतरनाक लग रहा है यार, लास्ट टाइम आए थे उस टाइम इतना बारिश नहीं था, मतलब बारिश था, बारिश का पानी था, पर ज्यादा बहुत ज्यादा था तो उतना मस्त नहीं दिख रहा था। अभी थोड़ा कम है तो ज्यादा मजा आ रहा है, थोड़ा स्टोन रिवर टाइप से फील आएगा, जैसे लद्दाख सब में नहीं रहता है पत्थर पत्थर छोटा छोटा पत्थर, वैसे फील आ रहा है। और इधर चल रहा है भाई लोग का फोटो शूट, क्या बात है, फोटोग्राफर गोस्तर कॉलेज का फोटोग्राफर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का विवेक, सही है। और इधर का दिखाते हैं एक बार नजारा, एक नंबर यार, बहुत सारे नीचे से दिखाते हैं, पर क्या नजारा है, सही है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। तो अब देखते हैं, जल्दी से चलते हैं रिमिक्स में दसम। पहले लोग तो दसम जाने की बात कर रहे हैं, अमन और हम तो आ चुके हैं पहले ही 2-3 बार हो गया, ये तो मेरा 4th-5th बार होगा मेरा लग रहा है। पर अमन का मतलब कि अंकित का, अंकित बोल रहा है कि दसम जाते हैं, वहाँ पे फोटो शूट सब हो गया है और लास्ट में दिखाते हैं, अगर भाई लोग फोटो देगा तो लास्ट में वो फोटो भी दिखा देंगे। अब इधर जाने की बारी, मतलब कि दसम जाने की बारी। दसम फॉल पहुँचने से पहले हमें इस घने जंगल से गुजरना पड़ता है, जो कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से बना हुआ है और हमें इसी से गुजरना पड़ता है। तो यार फाइनली पहुँच चुके हैं, दसम तो नहीं गए पर टॉप भी जो ऊपर से दिखता है वो वाला, वहाँ पर ही करना, वहाँ से नज़ारा दिखता है वहाँ पे आए हुए हैं। तो थोड़ा सामने से जाते हैं और दिखाते हैं, मतलब कि आगे ये पत्थर तक जाते हैं फिर दिखाते हैं। और इधर बालक उतर किधर कुछ कुछ खा रहा है, तब क्या ही बोले, यहाँ से जो नज़ारा है ना इधर पीछे का काफ़ी खूबसूरत लगता है यार, जितना देखे उतना कम लगता है। यहाँ मतलब कि यहाँ पे जितना बार आते हैं, मतलब यहाँ पे हमेशा यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, क्या कि यहाँ बहुत मज़ा आता है, आप लोग को भी दिखाते हैं। पर एक बार फिर से एक बार नज़ारा दिखाते हैं, लास्ट टाइम आए थे तो पूरा बरसात था तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बह रहा था, तो उतना खास तो दिख नहीं रहा था उस टाइम, मतलब कुछ ज़्यादा ही उफान था बोले तो, ज़्यादा ही बारिश का पानी था तो उतना अच्छा से नहीं दिख रहा था, इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। अभी थोड़ा दसम वाली पाई बारी है, एक नंबर। और ये बारिश मतलब कि ये पानी इधर इधर होते 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 इधर आती है, इधर नीचे साइड यहाँ पे, यहाँ पे रिमिक्स है वहाँ पे मिलता है जाके, मतलब उसी को बोलता है रिमिक्स फॉल, यहाँ वाला को बोलता है टॉप व्यू, और इधर है दसम और उधर है रिमिक्स, तीनों एक ही जगह है। तो आप लोग को आना है तो आ सकते हैं, काफ़ी मस्त जगह है, एक नंबर, पूरा नेचर से मतलब क्या बोले, सब तरफ
पहाड़ों से घिरा हुआ और पूरा नेचर हरा भरा, और एक तो झरना जो झारखंड के पहचान है, इधर जंगल, झरना और उधर पहाड़, एकदम आप पूरा देख लीजिए नजारा यहाँ का। अब तो नीचे जा रहे हैं, ऐसे मतलब कि नीचे तो कभी गए नहीं थे पर आज जा रहे हैं बहुत दिनों बाद। मतलब हमेशा आते थे तो बस यही तो भी वाला नजारा बस देखते थे और चल जाते थे, क्या कि हम लोग शाम शाम का टाइम में आते थे और थोड़ा लेट भी हो जाता था वो इसलिए। तो अब यहाँ से चलते हैं नीचे, और नीचे यहाँ पर इसे नजारा भी काफी खतरनाक लगता है। एक बार गए थे पर वीडियो बनाए। तो यार फाइनली आज बहुत दिनों के बाद रिमिक्स फूल आ गए, मतलब दसम फूल आते थे पर रिमिक्स फूल आते नहीं थे, बस थोड़ा सा यहाँ दूरी चलते। तो देख सकते हैं काफी खतरनाक लग रहा है। भाई तोरे मन का लेगा था हा? का लेगा था बिरयानी चावल हमरे भेटे कि नहीं भेटे कि नहीं हमारे कौन दिन उपरे की। अरे वाह एकदम खतरनाक, बिरयानी भी अवेलेबल है गाइस, क्या बात है। तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, तो अगर आप लोगों को खाना है बिरयानी तो आ सकते हैं। बाय बाय अमन भाई, बिरयानी नहीं खिलाएगा बिरयानी। तो चलिए भाई आप नीचे चलते हैं और नीचे से आप लोगों को पूरा नजारा दिखाते हैं। काफी खतरनाक लग रहा है यार, बहुत हाट खतरनाक खूबसूरत। अभी थोड़ा पानी ज्यादा ही है तो अभी पानी के नजदीक जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या कि पता नहीं कब बाढ़ उड़ आ जाए, कब ज्यादा मतलब बारिश का पानी तेज बहाव हो जाए, तो थोड़ा दिक्कत भी है। तो इसलिए उधर सामने जाएंगे नहीं, दूर से ही आपको नजारा दिखाते हैं, पर थोड़ा वो उस पर जाते हैं जहाँ पे खाली खाली जगह है वो उस पर जाते हैं। तो वीडियो में बने रहे, अभी आगे का नज़ारा एकदम काफी खतरनाक दिखने वाला है और थोड़ा फोटो शूट भी करेंगे। तो वहाँ आगे पहुँचते फिर दिखाते हैं आप लोगों को। मतलब क्या बोले यार, जस्ट हम तुरंत ही खाना खाए थे और भाई लोग हमको लेके आ गया था, तो थोड़ा गाड़ी में थोड़ा चक्कर चक्कर आ रहा था, मतलब उसे फील आ रहा था, अच्छा लग नहीं रहा था। तो भाई लोग मेरे लिए लस्सी खरीद दिया है, तो लस्सी उसे पीते हैं फटाफट। क्या बात है गाइस, पूरे इधर फोटो शूट चल रहा है बहुत खतरनाक, उधर रील्स वील्स बन रहा है, देखा जूम करके दिखाता जूम करके। एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, ये रील्स चल रहे रील्स सही है भाई। मतलब कि क्या ही बोले, यहाँ पर ये नजारा देख के बस एक ही गाना हमको याद आ रहा है, इन वादियों में टकरा चुके हैं हम, इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे। ऐसा नजारा आप लोगों को कहीं देखने को मिलेगा नहीं, झारखंड का टूर करिए गाइस, एकदम काफी खतरनाक खतरनाक जगह है। देख सकते हैं ना ये पहाड़, ये जंगल्स चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ, उसके बीच से नदी बह रही है, खूबसूरत लग रही है ना गाइस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकदम काफी खतरनाक लग रहा है, पूरा मजा आ रहा है हमको तो यहाँ पे। आप लोग भी कभी आइए यहाँ पे, और मौका मिले तो आप लोगों के साथ भी हम जरूर आएंगे। एक दो दोस्त को छोड़ के आए हैं तो माफी चाहता हूँ दोस्तों, वो राहुल भाई और दीपक भाई है, दोनों को छोड़ के आ गए हैं, क्या कि राहुल भाई का हो रहा है क्लास और दीपक भाई चल गया है गुमला। तो क्या ही कर सकते हैं, भाई लोग का थोड़ा क्लास भी है और गुमला चल गया है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भाई लोग साथ भी आएंगे, और हमारे साथ में हमारे न्यू फ्रेंड जुड़ चुके हैं। काफी धूप होने के कारण अभी थोड़ा यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ का नजारा एकदम काफी खतरनाक लग रहा है, एकदम मस्त पूरा जबरदस्त लग रहा है। और यहाँ पर हमको एक चीज अच्छा नहीं लगा कि ये साइड देख सकते हैं आप लोग, ये पिकनिक स्पॉट वाला जगह पे ट्रैक्टर वाले भैया सब पूरा बालू उठा ले रहे हैं, तो फिर हम लोग ऐसे में पिकनिक कैसे मनाएंगे, मतलब हम बस नहीं मनाएंगे बहुत कोई आएंगे पिकनिक मनाने के लिए, तो वो लोग कैसे मनाएंगे देख के सकते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है, अब सरकार इसलिए थोड़ा सा एक जरूरी कदम उठाए ताकि ये पिकनिक स्पॉट वाले जगह पे थोड़ा बालू कम उठाए, ताकि यहाँ पर का जो सीन है जो बाकी सब भाई बहन लोग मतलब मजा करने के लिए आते हैं वो मजा ले सके। अगर ऐसे अगर बालू उठते रहेगा तो वहाँ पर तो गड्ढा गड्ढा हो जाएगा, तो क्या बोले
पिकनिक मनाने का कोई जगह ही नहीं बचेगा। और ये साइड भी थोड़ा बालू उठाव हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मतलब ऐसा हर जगह कहानी यही है कि सरकार भी देखते हुए अनदेखा करती है। तो बस यहाँ पर एक नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को और कुछ नहीं। और सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा फोटो अच्छा आएगा सोच रहे हैं, तो वहाँ पे जाते हैं जल्दी से और फोटो क्लिक करते हैं, फिर चलेंगे घर। और शायद हो सके तो आज का आप लोग यहीं पेंट कर सकते हैं, क्या है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का मन नहीं कर रहा है और थोड़ा आज क्या ही बोले, थोड़ा मूड भी नहीं कर रहा है। सुबह से शाम तक बस इधर उधर जाने का आज काम हुआ है। फर्स्ट में तो वही टाटी सिल्वर साइड गए थे भैया का एग्जाम के लिए, मेरे साथ गए थे एग्जाम को लिखवाने के भैया को। बस उधर क्या बोले, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था आज। और उसके बाद भाई लोग फ़ोन किया और अचानक से बोला कि घर के नीचे हैं, मतलब रूम के नीचे हैं, चलो रिमिक्स कॉल। तो बस इधर आ गए हैं, तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नीचे रेड कलर का बटन है ये सब्सक्राइब वाला उस पर दबा दीजिएगा, पैसा उसे नहीं लगता है गाइज। और क्या बोले, तो माँ का कसम बहुत देने वाला है, हम माँ का कसम आप लोग को नहीं दे रहे हैं, बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा कुछ मतलब कि पैसा उसे कुछ नहीं लगने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ढेर सारा प्यार दिखाइए और शेयर करिए बहुत जितना ज़्यादा हो सके, ताकि हम भी थोड़ा जल्दी थोड़ा पॉपुलर हो जाएं। भाई लोग बोलता है कि ट्रेंडिंग वीडियो बनाओ, पर हम चाहते हैं कि हम अपना मेहनत से खुद से तरक्की करें और सक्सेसफुल आदमी बने। बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।